हेलो गाइस, वेलकम टू स्केरी स्टोरी टाइम, जो कि आपको हर सैटरडे को सुनने मिलेगा। मेरे चैनल में बहुत दिनों से मैं कुछ नए कंटेंट की खोज कर रही थी, तो रेडिट में बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये स्टोरी मिला, जो कि फ्रॉम मॉम्स बेसमेंट नाम की एक प्रोफाइल ने डाला था। आप लोग भी मुझे अपने स्केरी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भूत के ऊपर ही होगा। आप अपने लाइफ की स्केरी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे। तो चलिए, कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और लाइट्स ऑफ करते एक रात अचानक मेरा नींद खुल गया दरवाजे के नॉक नॉक साउंड पे। मैं नीचे गया, खिड़की से देखने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा ही दिखा। एक आदमी वाइट ड्रेस पहने खड़ा था। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने मॉम को आवाज़ लगाया कि दरवाज़े में कोई है, और फिर मैं सोने चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी मम्मी से पूछा कि कौन था, तो मम्मी ने बोला कोई नहीं था, लेकिन मैंने किसी को देखा था। तब से ऐसा बहुत बार हुआ है कि सब कोई घर में बैठा है, बातें कर रहा है, लेकिन अचानक दरवाज़ा पीटने की आवाज़। लेकिन दरवाज़ा जब खुलता है उस पार कोई नहीं रहता है। एक दिन मेरी मम्मी और उनकी एक फ्रेंड घर पे बात कर रहे थे और मैं वहीं पे खेल रहा था। तब मैंने मम्मी को बोलते हुए सुना कि मुझे लगता है कि इस घर में कोई बच्चे की स्पिरिट है। मैं कुछ दूरी था तो मुझे सुनाई दिया। मैंने बाद में पूछा अपने मम्मी से कि क्या आपने सच्ची भूत देखा है इस घर में, तो मम्मी बोली कि हाँ। पता नहीं क्यों उसको देख के मुझे डर नहीं लगा, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आया। उस दिन से मैं और ज़्यादा डर गया। एक दिन मैंने अपने सपने में देखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और दौड़ के अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ, लेकिन कॉरिडोर पूरा डार्क था, बस थोड़ा सा लाइट था, और उस लाइट में मैंने देखा कि कोई भेड़िया जैसा क्रिएचर मेरे मम्मी और पापा को खा रहे हैं। ये देख के मैं दौड़ते हुए रूम में गया और अपना दरवाज़ा बंद करके अपना खिलौना से अपना दरवाज़ा को पूरा स्टफ्ड कर दिया और सिक्योर कर दिया। और तभी मुझे आवाज़ आया मेरी मम्मी का कि दरवाज़ा खोलो, मैं तो तुम्हारी मम्मी हूँ ना, तो डर किस बात का बेटा, दरवाज़ा खोलो। मैं रो पड़ा ये सोचकर कि मेरे मम्मी पापा नहीं रहे और मुझे पूरी ज़िंदगी अब अकेले गुजारना पड़ेगा। तभी मेरा नींद खुल गया और मैंने देखा सच्ची में मेरा दरवाज़ा बंद है और उसके सामने पूरा खिलौना बिखरा है। रोज़ रात को ऐसा ही होता रहा, रोज़ मेरा नींद खुलता तो देखता दरवाज़ा खिलौनों से पूरा स्टफ्ड है। फिर हम लोग वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होने के तुरंत ही बाद पता चला कि हमारा पुराना घर आग लग के पूरा जल गया है। लेकिन ये कैसे हुआ किसी को नहीं मालूम। बाद में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि उस घर में दो स्पिरिट्स थे, एक उस बच्चे की जिसने सिर्फ अपने आप को मेरी मम्मी को देखने के लिए दिया, और दूसरा वो आदमी का स्पिरिट। जी, वहाँ पे दो स्पिरिट था, उसमें से एक आदमी था जो मुझे मारना चाहता था।
और वो बच्चे की स्पिरिट मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। वो हर रात मेरे रूम में आके मेरा दरवाज़ा बंद करके उसमें टॉयज स्टफ्ड कर देता ताकि वो अंदर ना आ सके। बाहर के दरवाज़ों को भी लॉक कर देता, इसीलिए वो आदमी का स्पिरिट कभी अंदर नहीं आ पाता था और हमेशा हम लोग को नॉक करने की आवाज़ आता। हमारे आने के बाद उस बच्चे के स्पिरिट ने वो घर को जला डाला ताकि वहाँ कोई नहीं रह पाए और किसी दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आपकी ओपिनियन क्या है ये स्टोरी के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एवरी सैटरडे नाइट ऐसे ही ट्रू स्केरी इंसिडेंट्स आपके सामने पेश करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।